बड़ी खबर है, राहुल गांधी जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं। राहुल गांधी की जीत हो गई है और थोड़ी देर पहले दिनेश शर्मा जो उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। बहुत ही हम्बली उन्होंने जनता से माफी मांगी और कहा कि मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। लेकिन रायबरेली से बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं और राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी वो लगातार लीड जो है वो बरकरार रखे हुए हैं, आगे चल रहे हैं और रायबरेली का जो मुकाबला है वो अपने अंजाम तक पहुंच गया है। राहुल गांधी यहां से और इसे देखकर वो वक्त भी याद आता है जब सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया था रायबरेली की जनता को कि मैं अपना बेटा सौंप रखी हूँ। क्या यहाँ पर इमोशन वीरेन जी काम किया है क्या? देखिए, दो क्षेत्र ऐसे रहे हैं, मैं उस पर काफी ध्यान दिया था, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली ऐसा क्षेत्र है जहां पर अब तक लोकसभा के 20 चुनाव हुए हैं, 17 लोकसभा इसको छोड़ के, 3 उपचुनाव, जिसमें 17 बार कांग्रेस पार्टी जीती है और 17 बार में 10 बार गांधी परिवार जीता है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर फिरोज गांधी भी 2 बार जीते। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से इंदिरा जी चुनाव जीती, हारी भी 77 में, और वहीं से श्रीमती सोनिया गांधी भी चुनाव जीती है। तो वो जो क्षेत्र है उसको माने ना माने गांधी परिवार का सिनोनिम रहा है। हाँ, पिछले चुनाव में विक्ट्री मार्जिन सोनिया जी का 17% आ गया था, इसलिए चिंता हुई थी कि सोनिया जी ना हारे, उनको राजस्थान से राज्यसभा भेज दिया गया। तो राहुल गांधी को इसलिए लाया गया कि वो क्षेत्र गांधी परिवार से बाहर ना जाए, है ना। और मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा यदि आप थोड़ा, लेकिन आप जरूर ये भी समझाइएगा वीरेन जी कि उत्तर प्रदेश में इस पूरे उलटफेर के आखिर मायने क्या है। देखिए, टर्नआउट जब घटा, ध्यान दीजिएगा, टर्नआउट जब घटा तो हमारे पास उदाहरण ऐसे थे कि टर्नआउट घटने से कोई प्रभाव नेगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है, अब तक मैं यही मान रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश का, चाहे बाकी जगह का देखिए, अब तक के ट्रेंड में बीजेपी को 0.5% वोट का भी फायदा नहीं हो रहा है।